हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं मेरे सामने जो बाइक खड़ी है SP125 जो होंडा की आती है। तो बाइक में सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लोन डिटेल। सबसे ज्यादा खास है इसमें लोन से रिलेटेड। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर रहे थे कि लोन में क्या आएगा, क्या डाउन पेमेंट आएगा, कितने मंथ का ईएमआई आएगा। तो मंथ का टेंशन आपको लेना है नहीं, आपको जितना मंथ का चाहिए उतना मंथ का ईएमआई आपको मिल जाएगा। मिनिमम डाउन पेमेंट तो आपको जीरो डाउन पेमेंट भी मिल जाएगा अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह सही है तो, और नहीं है तो आपको कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, अप्रोक्स 10 से 15 हजार। तो आज जो एस्टिमेट हम देने वाले हैं आपको 15 हजार डाउन पेमेंट वाला देने वाले हैं, मतलब 15 हजार का डाउन पेमेंट आ जाएगा। बाकी ईएमआई अपने हिसाब से, 4 ईएमआई लेकर आए हैं हम अलग अलग मंथ में, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा ईएमआई आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके पहले बता दें कि जो भी हम लोन का डिटेल्स आपको दे रहे हैं ना, वो डिस्क ब्रेक एडिशन, ये विदाउट डिस्क ब्रेक है, मतलब वो डिस्क ब्रेक एडिशन है। तो उसमें क्या है ना कि इसका 5000 रेट कम है और उसका जो 5000 प्लस है, रेट जो है ज्यादा है। तो उसको अपने हिसाब से देख लेना है। तो हम जो लोन का डिटेल्स जो दे रहे हैं इसी यही मॉडल का दे रहे हैं, सिर्फ उसमें डिस्क ब्रेक आगे होगा। तो इस तरह का बाइक से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहते हैं। तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपडेट रहता है, यहाँ पे भी कोई मतलब जानकारी अगर आपको चाहिए तो जाके कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। बाइक से रिलेटेड कुछ भी छूटता है तो बिंदास कमेंट कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए किसी से भी रिलेटेड। तो इस तरह का रिव्यू देखने के लिए कंटिन्यू चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, और फ्रेंड सर्कल में कोई भी लेना चाहे तो बिंदास उसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और ले लिए हैं तो भी एक बार देख सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिला है, क्या नहीं मिला है, और नहीं लिए लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो बिंदास ले सकते हैं। तो अभी जो डाउन पेमेंट हम बता रहे हैं ये 15000 डाउन पेमेंट आपका आएगा। सबसे पहले बात हो गया, बात कर ली हम डाउन पेमेंट का, तो 15000 रुपए आपको देना है। उसके बाद ईएमआई जो है, हम 4 ईएमआई आपको बताएंगे, 23 मंथ का, 29 मंथ का और 17 मंथ का, मतलब 17 मंथ का और 35 मंथ का। अब आपको जो है चारों का ईएमआई एक एक करके बताते हैं। सबसे कम ईएमआई जो सबसे कम मंथ का जो है 17 मंथ का, उसमें आपका 7013 रुपया, मतलब 7013 रुपीस के आसपास आपको आएगा। 17 महीना आपको डालना है। फिर आपको ईएमआई आ जाता है 23 मंथ का, यहाँ पे आपको 5506 रुपया, मतलब 5506 रुपीस का आएगा जो 23 मंथ आपको डालना है। फिर आएगा 29 मंथ का, जिसमें 4637 रुपीस आपको 29 मंथ डालना है, मतलब 29 महीने। फिर आपको आ जाएगा 35 मंथ, जिसमें आपको 4027 रुपीस डालना है। ठीक है, चारों ईएमआई अलग अलग, ये चीज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, डाउन पेमेंट वगैरह बार बार आपसे बता दे रहे कि इस मॉडल का नहीं, इसका डिस्क ब्रेक एडिशन का है। अगर आप यही मॉडल लेते हैं तो इसमें आपका 5000 प्राइस कम हो जाएगा, ईएमआई थोड़ा बहुत कुछ कम हो जाएगा। तो आज का रिव्यू हम लोन से रिलेटेड सारा कुछ जानकारी आपको दे दिए, इसमें आपको जितना कंपनी फिटेड आता होगा सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अलग से कुछ एसेसरीज वगैरह लगाना चाहते हैं, सीट कवर वगैरह, तो उसका अलग से आपको चार्ज पे करना होगा। अब हम देखेंगे आगे की बाइक में भी क्या क्या मिल रहा है। तो बाइक में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ आपको E20 OBD2 कंप्लायंट के साथ जो 2024 में आ रही है वही बाइक है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। तो बाइक में भी सारा कुछ नॉर्मली मैं आपको एक बार दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं बाइक जैसे भी इसका है, इग्निशन वगैरह ऑन करके रखे, हेडलाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह ऑन है, देख सकते हैं। बाइक जो है अगर लुक वाइज देखा जाए तो काफी बेहतरीन लग रहा है। बाइक में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है जहां तक आपको देखा जाए, तो सिर्फ आप यहाँ पे टैंक पे जो E20 किया गया स्टिकर इथोनॉल से जो चलेगी बाइक। बाकी स्पीडोमीटर वगैरह देख सकते हैं डिजिटल में आपका आ गया, इंजन चेक लाइट, इंडिकेटर लेफ्ट राइट का, ये लो बीम हाई बीम पासिंग का स्विच, लाइटिंग यहाँ पे देखने को, स्पीडोमीटर टाइमिंग गियर शिफ्टिंग यहाँ पे आपका एवरेज वगैरह सारा कुछ शो करेगा। यहाँ पे स्पीडोमीटर फ्यूल मीटर बहुत सारा कुछ दिया, मीटर को कंट्रोल करने के लिए सेट वगैरह इधर से मिल जाएगा आपको। इधर होगा सेल्फ स्टार्ट, इधर देख सकते हैं लो बीम हाई बीम, इधर लेफ्ट इंडिकेटर राइट, हॉर्न का स्विच यहाँ पे देखने को। फ्रंट लुक से अगर बात करें तो हेडलाइट वगैरह जो मिलेगा आपको LED में मिलेगा लो बीम हाई बीम के साथ, इंडिकेटर वगैरह देख सकते हैं। फ्रंट सस्पेंशन का बात करें तो टेलीस्कोपिक फोर्क आएगा जो नॉर्मली पहले आता था। फ्रंट मिडगार्ड का बात करें तो ग्लोसी ब्लैक में देखने को मिलेगा, जिसका बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन होता है, इसमें कोई देखने की बात ही नहीं है। इसका एक और एडिशन आता है जो होता है डिस्क ब्रेक एडिशन, ये आपका नॉर्मल ड्रम ब्रेक है, जिसमें आपका डुअल केबल देखने को मिलेगा फ्रंट एंड रियर। अगर रियर ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी जो आपका काम करेगा, ये सारा कुछ हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं अगर इसका टायर, तो टायर देख सकते हैं इसका काफी हैवी ग्रिप में दिया गया है। और यहीं पे अगर देखते हैं हम टायर का साइज, तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं विद प्रूफ लिखा हुआ है कि टायर का साइज कितना है, तो ये देख सकते हैं 80, 100 और 18 इंच एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफी कमाल का एलॉय व्हील दिया गया है, देख सकते हैं एलॉय व्हील इसका। और यह सस्पेंशन पे मिलेगा आपको रिफ्लेक्टर कॉल इसका देख सकते हैं, जिसको फेयरिंग बोला जाता है। यहाँ पे आपको होंडा का बैचिंग किया गया, लेफ्ट साइड से देखा जाए तो पैनल पे SP125 किया गया है, स्टिकर वगैरह फुटरेस्ट हो गया, गियर शिफ्टिंग, इंजन यहाँ पे दिया गया। इंजन से रिलेटेड हम आगे आपको बात करेंगे। टेल पैनल पे देख सकते हैं स्टिकर किया गया, ग्रैब हैंडल इसका देख सकते हैं ग्लोसी ब्लैक में काफी कमाल का दिया गया। नीचे की ओर आ जाइए तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका हो जाता है लेडीज का फुटरेस्ट, और यहाँ पे जो रियर सस्पेंशन दिया गया है ये है एडजस्टेबल, अपने हिसाब से लो भी मतलब लो हाई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं एडजस्टेबल है, ये सारा कुछ हो जाता है। पिलियन का फुटरेस्ट ऐसे फोल्डेबल आता है, फोल्ड करके रख सकते हैं। रियर टायर का बात करें तो देख सकते हैं 180 और 18 इंच एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे देखने को
मिलेगा, मतलब पीछे का जो टायर है उससे पीछे, मतलब फ्रंट का जो टायर है उससे पीछे का टायर जो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। बैकलाइट वगैरह देख सकते हैं, सेम लुक में देगा, इंडिकेटर वगैरह चारों का चारों का सेम हो जाएगा, नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पर, रियर मिड गार्ड। राइट की ओर आ जाइए तो देख सकते हैं एग्जॉस्ट इसका काफ़ी स्टैंडर्ड साइज में दिया गया है, ठीक है। इधर आपका डिक्की वगैरह लग जाएगा, अगर आप लगाना चाहें तो, नहीं लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। सीट वगैरह देख सकते हैं, इसमें अलग से इसका सीट कवर वगैरह लगवा सकते हैं। सेम साइज आपको देख सकते हैं पैनल पे SP125 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इधर आपको मिल जाता है किक, जो सबसे कमाल का चीज़ है, कभी बैटरी वगैरह डिस्चार्ज होता है बिंदास आप किक से स्टार्ट करके राइड पे जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे नहीं है। किक है तो सोचने की बात नहीं। ब्रेक पैडल वगैरह यहाँ पे हो जाता है आपका, ठीक है। बाकी इसका देखा जाए तो मतलब ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है, मतलब 23 का लास्ट में जो आया था, 24 में सेम चीज़ है, अभी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं मगर इंजन से रिलेटेड, तो इसमें सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन और आपको फ्यूल डिलीवरी सिस्टम FI, जहाँ पे आपको माइलेज काफी बेहतरीन दिया गया है। और यहाँ पे इसका अगर देखा जाए रियर टायर का बात करें तो देख सकते हैं 180 और 18 इंच अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब पीछे का जो टायर है उससे पीछे, मतलब फ्रंट का जो टायर है उससे पीछे का टायर जो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। बैकलाइट वगैरह देख सकते हैं, सेम लुक में देगा, इंडिकेटर वगैरह चारों का चारों का सेम हो जाएगा, नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे, रियर मिड गार्ड। राइट की ओर आ जाइए तो देख सकते हैं एग्जॉस्ट इसका काफी स्टैंडर्ड साइज में दिया गया है, ठीक है। इधर आपका डिक्की वगैरह लग जाएगा, अगर आप लगाना चाहें तो, नहीं लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। सीट वगैरह देख सकते हैं, इसमें अलग से इसका सीट कवर वगैरह लगवा सकते हैं। सेम साइज आपको देख सकते हैं पैनल पे SP125 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इधर आपको मिल जाता है किक, जो सबसे कमाल का चीज़ है, कभी बैटरी वगैरह डिस्चार्ज होता है बिंदास आप किक से स्टार्ट करके राइड पे जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे नहीं है। किक है तो सोचने की बात नहीं। ब्रेक पैडल वगैरह यहाँ पे हो जाता है आपका, ठीक है। बाकी इसका देखा जाए तो मतलब ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है, मतलब 23 का लास्ट में जो आया था, 24 में सेम चीज़ है, अभी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। तो गाइस कैसा लगा SP125 का रिव्यू और लॉन्च से डिटेल्स, इसमें अगर कुछ भी अगर डिटेल्स और चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी और यहाँ पे भी जाके DM कीजिए। इस तरह का बाइक से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू देने के लिए हम तैयार हैं, आपको जानकारी देने के लिए हम तैयार है, कुछ भी छूटता है बिंदास पूछ सकते हैं। तो आज का रिव्यू खत्म करते हैं SP125 के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।